दे मुझे रंजे आशनाई दे। उसने मुझे बताया था कि उसने तुम्हें पुलिस की पनाह में जाने के लिए कहा है। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ से भागने की। मेरा बच्चा मुझे दो। मुझे रंजे आशनाई दे। लोग अपने औलाद को सच्चाई और ईमानदारी की तरबियत देते हैं, उन्हें सुधारते हैं, जबकि आपने मुझे जिंदगी भर लालच, बेईमानी और दूसरों को कुचलकर धोखा देने की तरबियत दी है। आपने बचपन से लेकर अब तक मेरे जमीर को सुलाने की कोशिश की है, और आज आज जब मेरा जमीर जाग रहा है तो उस पर इतने सारे बोझ हैं कि जिनमें मैं दिन ब दिन धंसता चला जा रहा हूं। डैड, ये दौलत, ये आसाइशी भी मुझे इस बोझ से निकाल नहीं पा रहे, और ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ, क्योंकि आपने मुझे जिंदगी को गलत रुख से दिखाया। डैड, आपने बाप होने का फर्ज कभी नहीं पूरा किया, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या हो गया इसे? भी मेरा और होश एक हो बैठा है। पागल हो गया, पागल हो गया। सर, आई एम सॉरी, सॉरी मेरी जान। सर, मुझसे बात तो करो प्लीज, जवाब दो ना। सॉरी बोला ना यार, प्लीज मुझसे बात तो करो। सायरा, 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 सायरा प्लीज। दे मुझे रंजे आशनाई दे। दे मुझे रंजे आशनाई दे। साईं, ये सावन ने दिए, कहता है अदालत से आपके नाम आए। उस बदसात की हिम्मत क्या है ये? अदालत से नोटिस आया है, खोला की दरख्वास्त की है, उसने तलाक मांगी है। तलाक? हेलो, एसपी फराज, असद बात कर रहा हूँ। जी एसएस साहब, कैसे याद किया आपने? मैं इरम से बात करना चाहता हूँ। क्या बात करनी है आपको इरम से? ये बात मैं इरम से ही करूँगा, फोन दो उसे। फोन का स्पीकर ऑन है, आपको जो बोलना है आप बोलिए, इरम आपको सुन रही है। स्पीकर फोन ऑफ करो एसपी, यहाँ मियाँ बीवी का मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। बीच में तो मैं आ चुका हूँ, कानून को आप मियाँ बीवी खुद बीच में लेके आए। हिरम, घर लौट आ, जो हो गया उसे भूल जा, अब ऐसा नहीं होगा। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की,
और अपनी बच्ची को भी नजरअंदाज किया। लेकिन अब मैं अपनी गलती की माफी मांग रहा हूं। किरम, तुम सुन रही हो ना मुझे? सुन रही हो आपको? किरम, ये तुम्हारा घर है, ये मेरी बेटी का घर है, और ये घर तुम दोनों के बगैर बहुत सूना है। प्लीज लौटा। किरम, मुझे एहसास हो चुका है कि तुम ठीक थी और मैं गलती पर था। घर आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये एक मर्द की जुबान है, और हम जब जुबान देते हैं तो उसकी लाज भी रखते हैं। मर्द की जुबान मर्द देते हैं, तुम जैसे हिजड़े नहीं। जिस जानवर की तुम जिंदगी भर तेड़ी रही हो, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। अब तुमसे सामना कोर्ट में ही होगा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा यार। मैं तुमसे सब कुछ छीनूंगा, तुम्हारी बेटी तक छीनूंगा तुमसे, समझी तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि आराम से प्यार से बात करना, और तुम अपनी औकात में आ गए। आपकी वजह से ही आराम से बात कराता उससे, वरना ऐसी को तो मैं मुंह तक नहीं लगाता। यहां आपने सही कहा था कि जब कोई अपना प्यारा जुदा होता है ना, तब पता चलता है। मैंने अपनी बीवी खो दी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं आज आप लोगों से माफी मांगने आया हूं, और उम्मीद करता हूं कि अल्लाह भी मुझे माफ कर दे। लेकिन अब मैं इकबाल को नहीं छोड़ूंगा, उसके खिलाफ गवाही दूंगा अदालत में। तनवीर का इस केस में आना एक नया ट्विस्ट है, इसका कन्फेस करना केस के लिए प्लस पॉइंट। अब मजा आएगा केस लड़ने का। आई नो सर, डैड की बेल का क्या हुआ? एप्लीकेशन मैंने जमा करवा दी है, बस एक दो रोज में बेल हो जाएगी इंशाल्लाह। जी सर। जी बिजार, आपके फादर की जो है वो बेल अप्रूव हो गई है। रियली? हाँ, मैं जेल जा रहा हूँ, बेल के डॉक्यूमेंट्स लेके आप वहीं आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओके अल्लाह। मॉम, डैड की बेल हो गई है। क्या वाकई? बहुत मुबारक हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। पापा की बेल हो गई। रियली जाए आप ही, यानी मैं डैड से मिल पाऊंगी, मैं उनको देख पाऊंगी। हाँ मेरा बच्चा, सिर्फ तुम नहीं, हम सब उन्हें देख पाएंगे।
तुमने मुझसे खुला लेकर बहुत बड़ी गलती की है राम। अपनी कब्र तुमने अपने हाथ से खोदी है। अभी तो सिर्फ रसाकशी थी, लेकिन अब तो बाकायदा जंग होगी। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। याद रखना तुम दोनों, तुम्हें अब इसकी धमकियों से घबराने की कोई जरूरत नहीं। और मुबारक हो, तुम असद से आजाद हो, बल्कि तुम्हें एक नई जिंदगी मुबारक हो। आओ। पिंकी, पिंकी, बेटा, मेरी बेटी। Welcome back, Papa. I'm very happy. मैं बहुत खुश हूँ। जी मेरा बेटा, I know that. कुछ नहीं होगा मैं, कुछ नहीं होने दूंगा मेरी बेटी को, कुछ नहीं। तसल्ली पड़ गई तुम्हारी कलेजे में, चली गई है वो हमारी जिंदगी से। अब खत्म कर दिया तुमने सब कुछ। तलाक ले लिया रमने, अदालत ने जबरदस्ती तलाक के कागजात पे दस्तखत ले लिए मुझसे। तुमने अपनी बेटी लेने करने का इरम को डराया नहीं? हाँ मांगा था, लेकिन अदालत ने उसको भी माँ के हवाले कर दिया, ये कहकर के दूध पीती बच्ची माँ के अलावा रह नहीं सकती। वैसे तुमने उस बदारी औरत को थप्पड़ मारकर बहुत अच्छा किया। गिरे हुए लोगों को उनकी औकात बतानी चाहिए। अम्मी मुझे अभी भी नहीं लगता कि मेहरू ने उसे भगाया, बस इरम का गुस्सा मेहरू पे निकाल दिया मैंने। आप भी तो बिला वजह मेरे कान भरती रहती हैं। सुना है तुमने, इद्रीस की बेल हो गई, अब वो हमें कोर्ट में घसीटेगा, अपने केस को फॉलो करेगा। पहले केस रीओपन हो गया और अब कोर्ट ने पेशी की डेट दे दी। ये तुम्हारे और मेरे नाम कोर्ट का नोटिस। तो आपके लिए क्या मसला है डैड? केस तो आपके हक में यूं चेंज हो जाएगा, और फिर आप तो बहुत पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं ना। बस एक और गुड न्यूज है, इरम को खुला हो गई। फराज इरम को लेके बस यहीं आ रहा है, एक दो घंटे में पहुंचने वाले। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे वाले। Oh,
क्या बात है इकबाल साहब, आज आपको मेरे घर आने की फुर्सत कैसे मिल गई? फॉर अपोलॉजीज एंड टू से सॉरी, कंडोलेंस के लिए, और सोचा कि आपसे कुछ निगोशिएट किया जाए। क्या मैं बैठ सकता हूं? जी प्लीज बैठिए। सुना है तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही दे रहे हो, ऐसा मत करना। इदरीस के खिलाफ गवाही देने के बदले में आपने जो पैसे मुझे देने थे वो नहीं दिए। मेरी बीवी बीमार हो गई, उसे इलाज के लिए फॉरेन कंट्री ले जाना था। मैं तब भी आया था आपके पास, आपने उस वक्त भी मुझे पैसे नहीं दिए, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका, तब आए हैं आप मेरे पास। सॉरी कहा ना मैंने, सॉरी फॉर योर लॉस। देखो मैं अब भी तुम्हें वो सब पैसे दे सकता हूं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा दे सकता हूं। अपनी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे तो मैं रख सकता हूं, लेकिन इसके बावजूद अगर तुमने कोर्ट में गवाही दी तो तुम जानते हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं, मेरी रसाई कहां तक है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ ये अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए या नहीं। एक ब्लैंक चेक लेके आया हूं, अपनी हैसियत के मुताबिक इसमें रकम भर लेना। दे मुझे रंज आशनाई दे, दे मुझे रंज आशनाई दे। थैंक यू यार। Your Honor, इस केस के सिर्फ दो ही मुद्दई हैं, एक मिस्टर इकबाल जो इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं, और मिस्टर समी जो इस वक्त कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। ये सरासर अदालत की तौहीन है। Your Honor, मेरे दूसरे मुवक्किल समी जो कि बिजनेस के सिलसिले में लंदन गए हुए थे, आज उनको आना था। एक्चुअली उनकी फ्लाइट डिले हो गई, इसलिए उन्होंने अदालत के नाम एक माजत की एप्लीकेशन ईमेल की है जिसका प्रिंट आउट आपकी फाइल में मौजूद है। योर है, मैं मिस्टर तनवीर को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? जी मिस्टर तनवीर, आप पहले भी मिस्टर इदरीस के खिलाफ गवाही दे चुके हैं, आज फिर कोर्ट ने आपको गवाही देने के लिए तलब किया है। आपका बयान वही है या कुछ और आप कहना चाहेंगे? मेरी पहली गवाही बेबुनियाद थी। इकबाल के कहने पर मैंने अदालत में झूठी गवाही दी, और उसके लिए जैसा उसके लिए इकबाल ने मुझे एक बड़े अमाउंट की पेशकश की थी। और जैसा आज की इस गवाही से मना करने के लिए दो दिन पहले इकबाल मेरे घर आया था, और इसे मुझे धमकी भी दी।
कि मैं इसके खिलाफ गवाही ना दूं और वह धमकी जैसा मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया है। गुड, ये तो बहुत अच्छा है। वैसे तनवीर, ये धमकी जरा अदालत को भी सुनाइए, मोबाइल का जरा स्पीकर ऑन कर लीजिए। सॉरी कहा ना मैंने, सॉरी फॉर योर लॉस। देखो मैं अब भी तुम्हें वो सब पैसे दे सकता हूँ, बल्कि उससे कहीं ज्यादा दे सकता हूँ। अपनी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे तुम्हें रख सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर तुमने कोर्ट में गवाही दी तो तुम जानते हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मेरी रसाई कहां तक है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ ये अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए या नहीं। एक ब्लैंक चेक लेके आया हूं, अपनी हैसियत के मुताबिक इसमें रकम भर लेना। पिंकी, पिंकी, पिंकी क्या हुआ जानी? पिंकी मेरा बच्चा क्या हो गया? मॉम, मॉम ये झटके क्यों ले रही है? सॉरी। तनवीर के मोबाइल में इकबाल साहब की आवाज का ताल्लुक। तो योर ऑनर, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। बच्चे बच्चे को पता है कि एक मामूली सॉफ्टवेयर के जरिए आवाजें बासानी बदली जा सकती हैं, चेंज की जा सकती हैं। मर्द की आवाज को औरत की आवाज में बदला जा सकता है और औरत की आवाज को मर्द की आवाज में बासानी चेंज किया जा सकता है, कतई किसी कबाह के। इवन ये कि वीडियो क्लिप्स में बोलने वालों के लिपसिंग के साथ डबिंग करके किसी भी आवाज को बासानी मैच कराया जा सकता है। या ना मेरे मक्कल इकबाल की आवाज जैसी आवाज भी यहां मैचिंग करा के सुनाई गई। कोर्ट प्रूफ मांगता है। तनवीर का यह भी कहना है कि उसने इकबाल साहब से पैसे लेके इदरीस के खिलाफ बयान दिया था, तो क्या वो इदरीस से पैसे लेके इकबाल साहब के खिलाफ बयान नहीं दे सकता? इकबाल साहब के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता? क्यों ना, जाली अद्वियात की डीलिंग के पेपर्स पर इदरीस के स्टैम्प्स और सिग्नेचर मौजूद है, जो ऑलरेडी इस केस में अटैच है। वो बैंक मैनेजर भी यहाँ मौजूद है जिसे इदरीस ने कंपनी और घर के नाम पर करोड़ों रुपये का लोन लेके रिटर्न नहीं किया, कभी रिटर्न नहीं किया। यो ना, वो ड्रग इंस्पेक्टर हबीब खान भी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने जाली अद्वियात को लेबॉरेटरी से जाली प्रूफ करवा के यहाँ कोर्ट में पेश किया। ये केस पहले भी सुना जा चुका है। या ना, ये लोग इस केस को दोबारा रीओपन करके सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का वादा जाया कर रहे हैं। इनके पास कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस केस के फैसले को सुनाएं जो पहले भी सुनाया जा चुका है। दैट्स ऑल योर ऑनर, थैंक यू। सॉरी फॉर इंटरप्शन। जैसा इस केस का दूसरा मुद्दई मिस्टर समी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लंदन में है, लेकिन वो इस वक्त कमरा अदालत से बाहर है। देर से आने से वो माजरा चाह रहे हैं और कोर्ट के अंदर आकर अपना बयान देना चाह रहे हैं। जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिस्टर समी को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। समी हाजिर हो। योर ऑनर, मेरे बारे में आपको यही बताया गया होगा कि मैं लंदन में हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान में मौजूद था। एक्चुअली रात मेरे फादर मुझे एयरपोर्ट पर पहुंचाकर यही समझे थे कि मैं फ्लाई कर चुका हूं लंदन, लेकिन मैं अपने जमीर पर इतने बड़े गुनाह का बोझ लेकर नहीं जा सकता था। I'm sorry, Dad. आज मैं इसको फेस करने और अपने इस बोझ को उतारने आया। Your Honor, मुझे बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये इतराफ करना पड़ रहा है कि मैंने और मेरे डैड ने इदरीस अंकल के साथ धोखा किया।
इन्हीं की कंपनी में रहते हुए मैंने और मेरे डैड ने जाली अद्वियात बनाने वाली कंपनियों के साथ डीलिंग की और सारे डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर इद्रीस अंकल के किए थे। बैंक मैनेजर बैठे हैं, इनके सामने इद्रीस अंकल नहीं बल्कि मैं और मेरे डैड गए थे कंपनियों और घर के नाम पर। हम दोनों ने ही लोन लिया था और उस पर भी सिग्नेचर हम नहीं किए थे, जाली सिग्नेचर। बैंक मैनेजर को डैड ने एक बहुत बहुत बड़ी अमाउंट दी थी। योर ऑनर, इद्रीस अंकल एक बेगुनाह और सच्चे इंसान। मैंने और मेरे डैड ने इद्रीस अंकल की सच्चाई और भरपूर एतमाद का नजायज फायदा उठाया, इन्हें रुस्वा किया। That's it. तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इद्रीस बेगुनाह है। अदालत इद्रीस की कंपनी को बहाल करने, उसके अकाउंट्स को रीओपन करके उसके घर को इकबाल के कब्जे से लेकर वापस उसी के हवाले करने के अहकाम जारी करती है और ये अदालत इकबाल की कंपनी को सील करके उसके अकाउंट्स को ब्लॉक करने उसे 7 साल कैद की सजा, जबकि समी वादा माफ गवाह बन चुका है, उसे सिर्फ 1 साल कैद की सजा सुनाती है। वकील साहब, समी डैडी आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हें सिर्फ 1 साल की सजा हुई है ना, अगर 14 साल की भी सजा होती तो मैं 14 साल तुम्हारा इंतजार करती। ना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और जब 1 साल बाद वापस आओगे ना तो लौट के जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। हेलो हेलो मॉम, मॉम मुबारक हो, हम केस जीत गए। बस मैं और डैड अभी के अभी आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, आ जाओ। हाँ हाँ, खुदा हाफिज़। चलो बाय। तुम्हारे डैड रिहा हो गए, हम केस जीत गए और वो हॉस्पिटल आ रहे हैं। पिंकी पिंकी, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई मेरा बच्चा। मॉम, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि आप मेरी जिंदगी तो ले ही रहे पर बदले में कम से कम मुझे डैड वापस भेज दे। डैड को केस जितवा दे और उन्होंने मेरी सुन ली, कम से कम मैं
आसानी से तो जा सकती हूँ ना, पर आराम से जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ है, बताते क्यों नहीं हो? हमारी वो वाली हैसियत नहीं रही हमें, अब हम अब्बा के छोड़े हुए चांद देकर जमीनों पे गुजारा करेंगे। हमारी हैसियत एक मजारे की होकर रह जाएगी। यह अदालत का हुक्मनामा है, इदरीस मामू ने जमीनों का केस जीत लिया है, हमारी जमीनें और बगात सब हमसे छीन चुके हैं, कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं। असद, मैं सोचती थी कि तुमसे शादी करके इस घर में आऊंगी तो मुझे आम औरत वाली इज्जत मिलेगी, जिस तरह तुमने मुझे कबूल किया तुम्हारी माँ भी मुझे कबूल करेगी, लेकिन यहाँ इतने अरसे रहने के बाद भी वो आज भी मुझे बाजारी के नाम से याद करती। तुम्हारी जिंदगी में तो एक आम सी औरत की जगह नहीं बन पाई, तो मैं तो फिर भी एक मैं अपनी और अपने बेटे की एक नई दुनिया बनाने जा रही हूं। जिसमें ना तुम हो और ना मैं। मुझे तुम्हारी और अम्मा की दुनिया से अब कोई हर्ज नहीं। मेरू, क्या कह रही हो? बचाओ मेरू। मुझे अब दुनिया की कोई ताकत जाने से नहीं रोक सकती है सर। मेरू, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मोहब्बत करने वालों के दिल मोम के होते हैं, पत्थर के नहीं। असद, मैं एक बार पत्थर से टकरा चुकी हूं, दोबारा नहीं टकराऊंगी। असद, ये बात मत भूलो कि ये मेरा बच्चा है। अगर तुम इस घर से बाहर निकली तो अकेली जाओगी, इसके बगैर जाओगी। तो आ गए ना अपनी औकात पे। मोहब्बत के दावे करने वालों के मुंह पर तेरे और मेरे नहीं होता असद। वाह, अरे जन्नत में भी औलाद को मां के नाम से पुकारा जाता है। यहां तो अपना जोर चला लो जितना चलाना है, वहां भी क्या अल्लाह के सामने इसी तरह डटे रहोगे? ये तुम्हारा खून नहीं है, ये एक बाजारी खून है, और सारी जिंदगी ये बाजारी औलाद के नाम से पहचानी जाएगी। ना मैं इसकी परवरिश करूंगी और ना तुम्हें करने दूंगी, समझे? ये बच्चा तुम्हारे नाम से नहीं, अपने आमाल से पहचाना जाएगा। मैं इसे हैवान नहीं इंसान बनाऊंगी। जा रही हूं मैं। मैरू, अम्मा, 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 रोके हो से।
अम्मा वो जा रही है मेरे बच्चे को ले। इससे ज्यादा एक लव स्टोरी और कुछ कहा ना तो तुम भी चले जाओ इस घर से, समझे? जाओ। दे मुझे रंज आशनाई दे, दे मुझे रंज आशनाई दे। थैंक यू बेटा। इद्रीस, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखुरू कर दिया। ये मैं नहीं जीता बेटा, हमारी फैमिली जीती है। ये उस अल्लाह का एहसान है हम पर। कॉन्ग्रेचुलेशन डैड। पापा की जान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मेरा बेटा। कहते हैं ना, अल्लाह बीमार और बच्चे सबकी दुआएं सुनता है। पिंकी, पिंकी, फाते अमल ने मुमताज आपा और उसके बेटे असद की शान और शौकत को हस्ती से पस्ती में धकेल कर दोनों को नफ्सियाती मरीज बना दिया। इरम के गमों का मदावा करने के लिए उससे उसकी पहली मोहब्बत फराज मिल गया, जो इरम और उसकी बेटी से बेहद प्यार करता है। जारा को समी की शक्ल में एक नया मुखलिस जीवन साथी मिल गया। अली अब सबसे ज्यादा अपने माँ बाप बहनों का फरमा बरदार है और इद्रीस के साथ बिजनेस संभाल रहा है। सबको मासूम पिंकी की कमी बेहद महसूस होती है। वो अल्लाह की रजा में बासबर है और इस नई जिंदगी पर शुक्रगुजार। सब ये दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने बंदों को रंजे आशनाई से बचाए। दे मुझे रंजे आशनाई।